हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेसरी के बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसके वारंटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी क्योंकि एक डेढ़ साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और अब वो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। और जिस तरीके से ठीक हुई हैं, जिस तरीके से कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा है। कोई ये पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए आपको बता रहा हूँ। हम TPMS के बारे में बात कर रहे हैं। JK टायर से मैंने लगवाए थे, मेरे नेक्सॉन में लगे हुए हैं। ये तनुज हैं, आप वीडियो देख लेना, इनकी गाड़ी में भी ये ब्रेजा है, इसमें हमने लगाए थे लगभग एक साल के आसपास। इसमें एक साल हो चुका है ना? हाँ, एक साल से ज्यादा ही हो गया। एक साल से ज्यादा इसमें हो गया है। अब मेरे से ना बहुत सारे लोगों ने मंगवाए भी हैं, फिलहाल मैं नहीं बेच पा रहा हूँ क्योंकि एक तो सप्लाई थोड़ी कम हो गई है, फिर कुछ प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल जाते हैं तो आप लोगों को भेज दूँ। मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई है इसमें, एक सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा है। अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए, जो ये शायद आपको, हाँ अब दिख रहा, जो ये आपको ये रेड वाला दिख रहा है ना, नीचे करना, यहाँ जो आपको ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये लो बैटरी हमेशा, ये देखिए लो बैटरी जो है ये दिखाता रहता है। अब इसका जो है इलाज मिल चुका है, अभी पहले ना इसको जाके डीलर के पास से बदलवा लेते हैं, साथ में ये भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। और जब वो बदलेगा ना तब आपको पता भी लग जाएगा थोड़ा इनके बारे में कि ये किस टाइप के सेंसर हैं। JK टायर की तरफ से हैं, शायद मैंने बताया भी हो। तो चलिए पहले डीलर के पास ही चलते हैं, क्या वारंटी वगैरह है, कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरीके से वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए हैं, कहीं आपको आसपास से मिल जाते हैं, तो वो टेंशन की बात नहीं है, बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये वाला जो सेंसर है ना, ये कंपनी ने भेजा है, अब इसको चेंज कराएंगे। इसके सामने जो नलकी आती है ना, जिससे हम एयर फिल करते हैं, जो नोजल आती है, वो वाली कंपनी ने नहीं भेजी है क्योंकि वो तो ख़राब होती नहीं है, सेंसर ही ख़राब हो सकता है। ट्रेल की तरफ से आया है, ये वाला जो बारकोड है इसको स्कैन कर देंगे और ये उससे जो है अटैच हो जाएगा। लगता कैसे वो बता देता हूँ, और कैसे भेजा है, किस तरीके से वारंटी वॉइड या मतलब क्लेम कर सकते हैं, वो सारी बातें अभी कर लेते हैं। अभी मेन मुद्दा पता है क्या है, सबसे पहले इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं अपनी मोबाइल ऐप में, ताकि ऐसा ना हो कि ये अंदर लग जाए फिर इसको स्कैन नहीं कर पाएंगे। तो इसको चेंज करके देखते हैं किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम चले गए हैं, अब जाते हैं हम सेटिंग में और हम करते हैं इसको स्कैन। और ये आ गया है 6C, हाँ 6C, ओके कर दो। तो दिस इज द वॉल और ये यहाँ पर है कनेक्ट। अभी ये सिर्फ इसको खोल देंगे और दूसरा सेंसर जो है अपना वो रखा, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और कुछ भी ये वगैरह कुछ भी नहीं आपको खोलना पड़ेगा इसमें। अगर टूल हो तो फटाफट खुल जाते थे, नहीं तो ढूंढते रहे हो कहीं प्लास लगाओ, कहीं पेचकस लगाओ। ये लो जी, ये सेंसर मेरे को दे दो आप। ये इसकी बैटरी लो दिखाता था, ये वाला हट गया है, अब देखो यूनिवर्सल हो गया। हाँ ये ऊपर वाले, ये वर्सल इसकी निकल जाएगी और उसमें लग जाएगी। ये वाला जो है ना एयर इनलेट, ये आपको नहीं छेड़ना है। और सेंसर की शेप कुछ इस टाइप की है कि ये यहाँ पर इसके साथ चिपक के रहता है, हिलता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसको ये कर दिया गया है फिट, और इसके बाद हो जाएगा अपना टायर जो है फिट और अपनी गाड़ी फिर से तैयार। तो अब इसका ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये किस तरीके से चेंज हुआ, कैसे ये लगता है। अभी देखिए गाड़ी खड़ी है एक ही टायर पे, उधर जब तक वो कारीगरी कर रहे हैं तब तक आपको मैं ये बता देता हूँ कि किस तरीके से चेंज हुआ और क्या वारंटी वगैरह है। सबसे पहले तो JK की तरफ से आते हैं ये, JK की एक यूनिट आप मान सकते हैं या एक ब्रांड मान सकते हैं जो ट्रेल के नाम से आता है, उसके ये इंटरनल सेंसर हैं। बाहर से आपको देखकर पता ही नहीं लगेगा कि इस गाड़ी में कोई सेंसर लगे हैं। देखिए इसके अंदर भी सेंसर है, आपने यहाँ से एयर प्रेस की, इसमें हवा भरी तो ये फटाफट आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा देता है, एक मोबाइल ऐप मिलती है कि कितना उसमें एयर प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है। और रही बात इसके अलर्ट देने की, अलर्ट किस तरीके से देता है, आपने जो भी टेम्परेचर जो भी प्रेशर एक्चुअली सेट कर दिया है, मान लीजिए आपने 30 जो है इस टायर के लिए सेट कर दिया है मोबाइल ऐप में, तो जैसे ही आपकी एयर प्रेशर जो है
35 से ऊपर जाएगा या 25 से नीचे जाएगा, मतलब 5 पॉइंट अप एंड डाउन होगा, तो आपका मोबाइल जो है वो अलर्ट आपको करेगा, अलर्ट साउंड देगा। आपको सिर्फ ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट करना है। और आपका मोबाइल ना ब्लूटूथ से इससे भी कनेक्ट रह सकता है, आपकी गाड़ी से भी कनेक्ट रह सकता है सेम टाइम पर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो लगभग 1.5 साल से मेरे पास ये काम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर आपको दिक्कत आती है तो कंपनी बोलती है 5 साल की वारंटी वो इन सेंसर्स पर देती है, इसकी बैटरी की भी, और वैसे ख़राब होते हैं तब भी। अब तनुज का जो है एक सेंसर ख़राब हो गया था, उसमें लो बैटरी शो कर रहा था इतनी जल्दी 17% के आसपास, तो कंपनी ने अपने पास से डायग्नोस किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, उनके कस्टमर केयर पर फ़ोन किया। तो अभी क्या है कि ये जो यूनिट है ना, ये ट्रेल वाली जो यूनिट है, ये अभी इतनी बड़ी नहीं है कि जगह जगह डीलर्स को पता हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने सारी डिटेल्स तनुज से ली, नियरेस्ट डीलर कौन सा है उसके बारे में पूछा तनुज से, और उस डीलर के पास जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, डीलर के पास उन्होंने ये सेंसर जो है नए वाला भिजवा दिया, और डीलर को ही बोल दिया कि आप ये चेंज कर देना। तो नया जो सेंसर है वो डीलर के पास आ गया, उन्होंने इसको अब चेंज कर दिया है, और हमारी गाड़ी जो है फिर से गुड टू गो है। हालांकि अभी जो हमने स्कैन किया है ना, वो स्कैन नहीं हो रहा है, एक बार उनसे कॉल कर लेते हैं कस्टमर केयर से, वो किस तरीके से स्कैन होकर ऐड हो जाएगा वो भी आपको बता देते हैं। अभी ये देखिए हमारा जो ये वाला टायर है ना, अब ये 44 दिखा रहा है, मतलब अब लो प्रेशर लो बैटरी भी नहीं दिखा रहा है, ये चेंज हो चुका है। और जो स्कैन की प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने कस्टमर केयर में बात की, बड़ा ही ज़बरदस्त कस्टमर केयर है यार, नंबर भी दे देता है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करता है। वीडियो मंगा ली थी उसी टाइम पे उन्होंने कि आप एक बार वीडियो भेज दीजिए कैसा क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ से उन्होंने एप्लीकेशन का दूसरी एप्लीकेशन का लिंक भी भेजा अपडेट करने को भी बोला, और स्टिल ये भी बोला अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है, हमने ऐप को अनइंस्टॉल किया उसके बाद इंस्टॉल किया तो ये जो है स्कैन हो गया, और अब जो हमारा ये आप टायर प्रेशर देख रहे हैं ये आ चुका है, हालांकि उन्होंने ज़्यादा बढ़ दिया है, इसी वजह से ये सेंसर लगवाए गए हैं, क्योंकि उनकी जो गेज होती है ना वो हमेशा गलत बताती हैं। उनको बोला था कि इसमें 35 डालनी है, उनकी गेज के अकॉर्डिंग 35 है, लेकिन आप देखिए एक्चुअल में 44 हो चुकी है। तो इसी वजह से DPMS लगवाए जाते हैं, आप भी लगवा सकते हैं। और बाकी डिटेल में अगर आपको और सारी चीज़ें जाननी है ना इसके बारे में, और भी वीडियो बनी हुई है वो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।